अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल खुश हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है आप लोगों के लिए। सो वेडिंग स्टेज डेकोरेशन की मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आप लोगों ने जो वेडिंग स्टेज होता है उसको किस तरह से डेकोरेट करना है या करवाना है, ताकि आपकी ब्राइड जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगे वहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए। सो बहुत प्यारे प्यारे इसमें आप लोगों के लिए आइडियाज़ हैं, वेडिंग स्टेज डेकोरेशन आइडियाज़ हैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में। 100+ मैंने आप लोगों के लिए डेकोरेशन आइडियाज़ जो हैं स्टेज के वो लेके आई हूँ, बहुत प्यारे ज़बरदस्त किस्म के हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कल मेरी वीडियो पे एक मेरी क्यूट सी सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था कि आप बोलती बहुत ज़्यादा हैं वीडियो में, वीडियो आपकी अच्छी होती है लेकिन बोलती आप बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोलती हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी है आप लोगों के लिए। ये सारे जितने भी मैंने आप लोगों के लिए डेकोरेशन जो है वो इसमें ऐड की है स्टेज वाली, सो बहुत ही प्यारे यहाँ पे डेकोरेशन के आइडियाज़ हैं, बहुत प्यारे प्यारे एंड बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट हैं डियर फ्रेंड्स। सो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुँचती रहे। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को किस किस्म की फ़ैशन की अपडेट्स चाहिए, किस किस्म की ब्यूटी टिप्स चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वैसी ही फ़ैशन की अपडेट्स एंड वैसी ही ब्यूटी टिप्स लेके आऊँगी। बिकॉज़ मेरे चैनल पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है हर किस्म का फ़ैशन, जिसमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इवन के मच मोर बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। सो डियर फ्रेंड्स, शादी के दौरान जो है एक जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, जाहिर सी बात है फ़ोटोशूट भी होता है, ब्राइडल भी बहुत प्यारी लग रही होती है, इतना उसने पैसा लगाया होता है खुद पे, दूल्हा भी अच्छा लग रहा होता है। तो एक और मेन चीज़ होती है, जब तक जो स्टेज है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट ना हुआ हो तब तक वो जो फ़ोटोशूट होता है उसका मज़ा नहीं आता, एंड पिक्स जो होती हैं वो अच्छी नहीं आती, एंड ब्राइडल जो होती है वो बैठे हुए मतलब वहाँ पे जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो हर एक ये विश होती है कि स्टेज भी बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट किया जाए। सो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्टेज के आइडियाज़ लेके आई हूँ, जिसमें रोज़ेज़ वाले भी हैं, मतलब फ़्रेश रोज़ेज़ लगा के भी आप लोग स्टेज जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं ब्राइडल और दूल्हे के बैठने के लिए, एंड आप लोग जो है जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं उनकी मदद से भी आप लोग डेकोरेशन कर सकते हैं अपने स्टेज की। इसके अलावा बलून के साथ भी कर सकते हैं, कैंडल्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड फ्लावर्स के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको मतलब ज़्यादा डेकोरेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो मतलब बिल्कुल लाइट सा करते हैं जैसा कि ये देखें। तो ऐसे भी मैं आप लोगों के लिए आइडियाज़ लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा झिलमिल वाले, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वाले आइडियाज़ जो हैं वो भी हैं इसमें आप लोगों के लिए। ये देखें कितना डिसेंट सा है, वाइट कलर के सोफ़े हैं एंड रेड जो हैं वो फूल हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें आप लोगों के लिए सिंपल सिंपल्स भी हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा झिलमिल वाले भी हैं, बिकॉज़ हर इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरह के जो है स्टेज पसंद करता है। बहुत सिंपल सा करता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पसंद करता है, लाइटिंग वाला पसंद करता है, रोज़ेज़ वाला पसंद करता है, आर्टिफिशियल रोज़ेज़ वाला पसंद करता है, बलून्स वाला पसंद करता है, या इसके अलावा जो है बिल्कुल नॉर्मल सा पसंद करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सब लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टेज डेकोरेशन की वीडियो लेके आई हूँ। आजकल जो है वो शादियों का सीज़न बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ अभी आगे से मुहर्रम आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अभी शादियाँ कर रहे हैं, शादियों का बहुत ज़्यादा सीज़न है। तो आप लोगों को आई थिंक इस वीडियो की ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा कि अब जब हम लोग मैरिज हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे भी अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेज पे डेकोरेशन जो है वो करवाई जाती है। इसमें आप लोगों को मेहंदी वाले जो स्टेज हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा वलीमे वाले स्टेज और बारात वाले स्टेज जो हैं, हर किस्म के स्टेज जो हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं इस वीडियो में डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों की अगर मेहंदी है उसके मुताबिक भी आप लोग यहाँ से स्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं,
एंड अगर आप लोगों की बारात है, बारात के हवाले से भी आप लोग कर सकते हैं, वलीमा है तो वलीमे के लिए भी आप लोग ना यहाँ से बहुत अच्छा सा स्टेज जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो, ये देखें, बिल्कुल सिंपल सी, डिसेंट सी, बहुत प्यारा इसमें सीन है। देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसमें आप लोगों के लिए व्यू है। इसमें जब यहाँ पर जब आपकी ब्राइडल बैठेगी, दूल्हा बैठेगा, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे दोनों। ये देखें, ये कितना कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इन दोनों की। तो बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों के लिए आइडियाज़ हैं। इनकी भी देखें रोज़े, इसमें वाइट एंड रेड कलर के रोज़ेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐड किए गए हैं। आप लोग जो हैं मुख्तलिफ़ कलर के रोज़ेस जो हैं वो ख़ुद भी करवा सकते हैं, इसमें ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। जो कलर आप लोगों को पसंद है वो आप लोग रखवा सकते हैं। इसके अलावा सोफ़ा जो है वो आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो रखवा सकते हैं। इवन के जो चीज़ आप लोगों को पसंद है, जो कलर फ्लावर्स का आप लोगों को पसंद है, तो आप लोग वैसे ही कर सकते हैं। ये देखें, पीछे दुपट्टे लगाए गए हैं। तो मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें आप लोगों के लिए आइडियाज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप लोगों के लिए। ये देखें, बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल सिंपल सा, डिसेंट सा है। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब, ये देखें हार्ट बने हुए हैं पीछे, तो इन हार्ट में आप लोग नाम भी लिखवा सकते हैं, स्पेलिंग भी लिखवा सकते हैं दूल्हे और दुल्हन के। तो आप में ये वाला, इसमें भी हार्ट बना हुआ है, यहाँ पे आप पिक लगवा सकते हैं, नेम लिखवा सकते हैं, तो वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका स्टेज जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगेगा डियर फ्रेंड्स। सो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए 100+ जो हैं वो वेडिंग डेकोरेशन स्टेज के आइडियाज़ जो हैं वो मैंने आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखें जी, रोज़ेस कितने प्यारे हैं, ब्यूटीफुल हैं। ये देखें पीछे से कितना ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है, बहुत ही व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त। ये वाला देखें जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप लोगों के लिए स्टेज डेकोरेशन के आइडियाज़ हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। अच्छा, इसमें डार्क कलर भी है, डार्क कलर की भी है, और बिल्कुल डिसेंट लाइट से कलर। ये देखें, ये लाइट कलर का है, वाइट है, और ऊपर जो है वो फ्लावर्स लगे हुए हैं। मतलब आपके लिए हर कलर यहाँ पे जो है अवेलेबल है, हर कलर की डेकोरेशन, वेडिंग स्टेज डेकोरेशन जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है इस वीडियो में। सो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, बिकॉज बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप लोगों के लिए स्टेज डेकोरेशन के आइडियाज़ हैं। अगर आप लोगों की दुल्हन दुल्हा यहाँ पर बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे, और वो जो आप लोग फ़ोटोशूट करवाएंगे, फ़ोटोशूट भी आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होगा, बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स आएंगी। बिकॉज़ यू नो के ये ऐसा इवेंट होता है जो लाइफ में एक ही बार आता है, तो सब लोग जो है इसकी मतलब जो डेकोरेशन पे भी तवज्जो देते हैं, दूल्हे और दुल्हन पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो ये जो पल होते हैं इनको कैप्चर किया जाता है, तो सारी ज़िंदगी ये याद रहते हैं। तो फिर स्टेज जो है वो भी बहुत अच्छे से डेकोरेट होना चाहिए आप लोगों के लिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए वेडिंग डेकोरेशन स्टेज के बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ हैं इस वीडियो में। सो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। सो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर याद दिला दूं, प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप लोगों को किस किस्म की फ़ैशन के अपडेट्स चाहिए, किस किस्म की ब्यूटी टिप्स चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वैसी ही फ़ैशन के अपडेट्स एंड वैसी ही ब्यूटी टिप्स लेके आऊँगी। बिकॉज मेरे चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है हर किस्म का फ़ैशन। सो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, खुश रहें, आबाद रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, कोशिश करें कि दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, बिकॉज़ जो दूसरों की हेल्प करता है अल्लाह ताला उसकी हेल्प करता है। सो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है डियर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।